प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑगस्टन एज को डिस्कस किया और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रोमांटिक एज को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ रफली फ्रॉम 1798 टू 1837। आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रोमांटिसिज्म, इस एज का बैकग्राउंड, इसके कॉजेज, जिन्होंने इसे इन्फ्लुएंस किया, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एज, लिटरेचर ऑफ दिस एज एंड राइटर्स एंड देयर नोटेबल वर्क्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म बेसिकली था क्या, इट वाज अ रोमांटिक मूवमेंट, जिसे आप रिवाइवल भी कह सकते हैं। किस चीज़ के अगेंस्ट रिवाइवल था? फर्स्ट, इट वाज रिवॉल्ट अगेंस्ट द क्लासिकल क्रीड ऑफ द 18th सेंचुरी। ऑगस्टन एज के अंदर जो लिटरेरी स्टाइल था, जो क्लासिकल बिलीव्स थे, उनके अगेंस्ट ये एक रिवॉल्ट था। कैसा रिवॉल्ट? फॉर एग्ज़ाम्पल, उस टाइम पर जो लिटरेचर लिखा जाता था, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि उस टाइम जो पोइट्री थी, जो लिटरेचर था, उसका फोकस रीज़न पर था, साइंटिफिक डेवलपमेंट पर था। लोग बहुत ज़्यादा रैशनल हो गए थे और ऐसा ही लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा था उस टाइम में। तो ये चाहते थे कि अब थोड़ा सा शिफ्ट आना चाहिए लिटरेचर के अंदर, कि इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होकर, रैशनल होकर, लोग अब इमोशंस से, फीलिंग्स से बिल्कुल दूर हो गए हैं। मीन्स राइटर्स ने अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को पोर्ट्रे करना छोड़ दिया, बल्कि वो रैशनल चीज़ों की तरफ जाते हैं, रीज़न की तरफ जाते हैं। और क्या था कि सिटी लाइफ के अंदर इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि लोगों ने कंट्री साइड को बिल्कुल छोड़ दिया, लोग नेचर से बहुत ज़्यादा दूर हो गए थे। तो इट वॉज द रिएक्शन अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ साइंस। उस टाइम पर क्या था, जो लिटरेचर के अंदर डिफ़िकल्ट वोकेबलरी यूज़ की जाती थी, आर्टिफिशियल लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, कॉन्टेंट पर लेस फोकस था और स्टाइल के ऊपर ज़्यादा फोकस था। राइट, जैसे अलेक्जेंडर पॉप, जोनाथन स्विफ्ट, डेनियल डिफू, ये लोग कितना डार्क सटायर यूज़ करते थे अपने वर्क्स के अंदर। अगर आप पॉप की रेप ऑफ द लॉक पढ़ें तो आपको आइडिया होगा कि उन्होंने उसके अंदर कैसी डिक्शन यूज़ किया, डिफ़िकल्ट वोकेबलरी यूज़ करते थे वो लोग, और सेंटेंस स्ट्रक्चर को, वर्ड स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स बना देते थे, लिंग्विस्टिक्स डिवाइसेस बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, और सिटी लाइफ को डिस्कस करते थे, एलीट क्लास को डिस्कस करते थे, और उनका इंटरेस्ट सिटी में था और नेचर से बिल्कुल दूर हो गए थे। तो अब इस सब के अगेंस्ट ये एक रिवॉल्ट था। अब रोमांटिक पोइट्स क्या कहते थे, या रोमांटिक्स जो थे, इनका क्या बिलीफ था? ये कहते थे कि हमें कॉमन मैन को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, उसके इमोशंस को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और हमें पोइट्री को इतना इंटेलेक्चुअल नहीं बनाना कि वो एक आर्टिफिशियल सी चीज़ लगे, बल्कि पोइट्री को, लिटरेचर को ऐसा होना चाहिए कि वो आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को पोर्ट्रे करे, और जो फोकस है वो सब्जेक्ट पे होना चाहिए, ना कि एक्सप्रेशन पे। मींस जो आपका आपका मेन एम्फसाइज है, दैट शुड बी ऑन कंटेंट। आपको अपने सब्जेक्ट मैटर पर, अपने थीम्स पर काम करना है, टॉपिक्स पर काम करना है, ना कि आप उसको प्रेजेंट कैसे करें, बल्कि उसको प्रेजेंट भी आपने कॉमन लैंग्वेज में करना है, जो कॉमन मैन की लैंग्वेज है। तो क्या करते थे ये लोग, एक्सप्रेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, बल्कि सब्जेक्ट मैटर को इंपॉर्टेंस देते थे। लेस यूज़ ऑफ डिवाइसेस, बहुत कम लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करते थे, और थीम्स जो थी वो कॉमन मैन की लाइफ से थी, नेचर को डिस्कस करते थे, कंट्री साइड में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। सेकंड, इट वाज अ रिवाइवल ऑफ द रोमांटिक स्पिरिट ऑफ द एलिजाबेथन एज। एक्चुअली अब जो राइटर्स थे, ये ऑगस्टन एज के राइटर्स को फॉलो नहीं करना चाहते थे, उस ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करना चाहते थे, बल्कि ये जो एलिजाबेथन एज में काम हो रहा था उसको आगे लाना चाह रहे थे। जैसे ऑगस्टन एज में मैंने आपको बताया था कि एक सटायर पे बहुत ज़्यादा फोकस था, हीरोइक कपलेट में बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा था, लेकिन ये लोग चाहते थे कि जो मिडिल एजेस में, एलिजाबेथन एज में जो टेक्निक्स यूज़ हो रही थी, लिटरेरी फॉर्म्स यूज़ हो रही थी, उन्हें दोबारा से रिवाइव किया जाए। तो एक क्रिटिक जॉर्ज सैंड रोमांटिसिज्म के बारे में कहते हैं, इट इज़ इमोशन अगेंस्ट रीज़न। डब्ल्यू जे लॉन्ग कहते हैं, द एसेंस ऑफ रोमांटिसिज्म वॉज दैट लिटरेचर मस्ट रिफ्लेक्ट ऑल दैट इज स्पॉन्टेनियस एंड अनअफेक्टेड इन नेचर एंड इन मैन एंड बी फ्री टू फॉलो इट्स ओन फैंसी इन इट्स ओन वे। अब कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स थे जिन्होंने इस रोमांटिक मूवमेंट को इन्फ्लुएंस किया। अब उनमें तीन मेन इवेंट्स हैं, दैट आर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अमेरिकन इंडिपेंडेंस एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। बेसिकली इन चीज़ों से क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों आया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों आया था, बिकॉज दैट पॉपुलेशन वांटेड टू गेट रिड ऑफ द मोनार्की। वो लोग चाहते थे कि वो लोग जिस तरह की डिक्टेटरशिप में रह रहे हैं,
किंगशिप में रह रहे हैं उससे वो अपनी जान छुड़वाना चाहते थे। इसीलिए वो चाहते थे कि वो एक रिपब्लिक क्रिएट करें, और वहाँ पर लोगों का ये बिलीव डेवलप हो गया था कि पीपल आर फ्री टू लिव देयर ओन लाइव्स एंड दे वांटेड टू अचीव लिबर्टी एंड इक्वलिटी। तो जब लोगों ने, जब यहाँ पर इंग्लैंड के इंटेलेक्चुअल्स ने ये सब कुछ देखा, तो इन्हें भी, इनके अंदर भी ये चीज़ डेवलप होना स्टार्ट हो गई। इन्होंने लिटरेचर के अंदर इस चीज़ को लाना शुरू कर दिया कि हर पर्सन को आज़ादी है कि वो अपनी लाइफ अपनी मर्जी से गुजारे, एंड पीपल आर केपेबल ऑफ रूलिंग देमसेल्व्स। सो इंटेलेक्चुअल्स वांटेड दैट लिबर्टी फॉर देमसेल्व्स। क्या था कि इस फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इंग्लिश रोमांटिसिज्म में डिफरेंट मोटिव्स को प्रोवोक किया, एंड दैट वर इंडिविजुअलिज्म, फ्रीडम। सो लीडिंग पोइट्स एंड जो राइटर्स वांटेड टू एक्सप्लोर इमोशंस एंड नेचर। इन्होंने भी जो क्लासिकल ट्रेडिशंस थे उनसे जान छुड़वाना चाहिए। इन्होंने भी कहा कि हम जब जो पोइट्री है, जो लिटरेचर है, वो तो नाम ही इस चीज़ का है कि आप अपनी पर्सनल फीलिंग्स को और इमोशंस को डिस्क्राइब करो। ये क्या कि हम उसमें भी रूल्स को फॉलो करते रहें, ट्रेडिशंस को लेकर चलते रहें कि जो क्लासिकल्स ने कह दिया हमने उसी चीज़ को फॉलो करना है, बल्कि ये उसके अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। इसी सब में क्या हुआ कि अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया, तो उससे भी इस चीज़ ये अफेक्ट हुआ, इनकी जो मोटिव्स थे इंडिविजुअलिज्म वाले और फ्रीडम वाले, ये इफ़ेक्ट हुए। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही थी, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स होती आ रही थी पिछले कुछ सेंचुरी से, उससे अब क्या हुआ कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनना स्टार्ट हो गई। जो न्यू साइंटिफिक मेथड्स इंट्रोड्यूस हो रहे थे फार्मिंग के, उससे अब बड़े बड़े फार्म्स बन रहे थे। जो छोटे फार्मर्स थे उनकी पूरी हो गई थी अब बड़े फार्म्स के साथ मिलकर, बड़े लैंड ओनर्स के साथ मिलकर काम करना, या जो बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई जा रही थी उनमें काम करना। अब जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनती हैं, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। अब जब फार्मर्स जो थे उनको यहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आई सिटी में, तो उन्होंने क्या किया कि वो कंट्री साइड से टाउन में शिफ्ट होने लग गए, रूरल एरियाज़ को छोड़कर यहाँ पर मेन सेंटर में आ गए। अब इससे क्या हुआ, अर्बनाइजेशन हुई, मीन्स यहाँ पर सिटी में मेन सेंटर में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, और जो गांव थे, जो कंट्री साइड थी, वो बिल्कुल बैरन हो गई। तो इससे अब पोइट्स और राइटर्स को लगता था कि अब हमें एक सोशल रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, और लोग जो नेचर से दूर होते जा रहे हैं इन्हें दोबारा नेचर की तरफ जाना चाहिए। सो व्हाट वर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म? फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्ट्री। तो जो रोमांटिक राइटर्स थे, दे बिलीव दैट देयर इज मच मोर टू द वर्ल्ड देन व्हाट इज टिपिकली सीन इन डेली लाइफ। हम जितना कुछ डेली लाइफ में देखते हैं, बल्कि नेचर के पास बहुत कुछ है और हमें ऑफर करने के लिए, जो चीज़ें हमें नज़र ही नहीं आती, जिन चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। सो दे बिलीव दैट देयर आर मैनी अमेजिंग थिंग्स इन द वर्ल्ड दैट वी डोंट नोटिस इन आवर डेली लाइफ। तो इसी से, इन्हीं चीज़ों से क्या होता था, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती थी टूवर्ड्स नेचर। नेक्स्ट, लव ऑफ नेचर। ऑल द रोमांटिक्स वर लवर्स ऑफ नेचर। जितने भी रोमांटिक पोइट्स थे उन्होंने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट एंगल से नेचर को ऑब्जर्व किया। जैसे कि वर्ड्सवर्थ इनमें फर्स्ट पोइट थे जिन्होंने एक न्यू पर्सपेक्टिव दिया हमें नेचर को देखने का। उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ पे बात की कि नेचर इज़ अ टीचर, नेचर एक हीलर है। जब आप नेचर के अराउंड होते हैं ना, तो आप अपनी जो लाइफ की जितनी भी हार्श रियलिटीज़ होती हैं उनसे दूर हो जाते हो। कुछ देर के लिए आप नेचर के अराउंड होकर खुद को रिलैक्स फील करते हो और हैप्पी फील करते हो। इसी तरह डिफरेंट पोइट्स, कॉलरिज, शेली, किट्स, इन सब ने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिए नेचर्स को लेकर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इन ह्यूमैनिटी। जितने भी रोमांटिक्स थे ये सब ह्यूमनिस्ट थे। अब अलेक्जेंडर पॉप, आपको पता है कि उन्होंने कैसे सटायर किया ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन हैबिट्स को, उनकी सोशल हैबिट्स को, अपनी कंटेम्प्रेरी एज को। बट ये जो वर्ड्सवर्थ थे, कॉलरिज थे, दे वर ऑल लवर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। वो लोगों की बात करते थे, एक सिंपथी थी लोगों के लिए इनके दिलों के अंदर, और वो चाहते थे कि इसी तरह वो अपनी पोएट्री के अंदर भी लाइफ ऑफ कॉमन मैन को डिस्क्राइब करें। देयर हर्ट वर ओवरफ्लोड विद सिंपथी फॉर द पुअर एंड डाउनट्रोडन। सो दे ऑलवेज ग्लोरीफाई द इनोसेंट एंड सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉमन मैन। मीन्स जो कंट्री साइड में रहने वाले लोग थे, उन लोगों को ये ज़्यादा ग्लोरीफाई करते थे और बात करते थे उनकी फ्रीडम की, इक्वालिटी की और ब्रदरहुड की। नेक्स्ट, लव फॉर एलिमेंटल सिंप्लिसिटीज ऑफ लाइफ। दिस एज वॉज करेक्टराइज्ड बाय एन इंस्टिंक्ट फॉर द एलिमेंटल सिंप्लिसिटीज ऑफ लाइफ। इनकी बेसिक कॉल क्या थी, रिटर्न टू नेचर, कि सबको नेचर की तरफ वापस लौटना चाहिए। अब
जितने भी हमारी डेली लाइफ में डिफरेंट इंस्टेंसेस होते हैं, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, जिनको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल ऑर्डनरी सी चीज़ें हैं, ये उन्हीं चीज़ों पर पूरी पूरी पोएम्स लिख देते थे। जैसे एन ऑर्डनरी सनसेट, अ वॉक ओवर द हिल्स, अ क्लस्टर ऑफ स्प्रिंग फ्लावर्स, विंड, रेन, सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल, अ कॉटेज गर्ल, ओल्ड सेल्समैन। अब ये बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं हमारे लिए, जो शायद मैटर भी नहीं करती, बट ये लोग ऐसी ही चीज़ों को अप्रिशिएट करते थे और इन सिंप्लिसिटीज़ ऑफ लाइफ को डिस्क्राइब करते थे। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन। अगेन, इनका मानना था कि पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो पोइट्री, आपका लिटरेचर बिल्कुल स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, ये किसी भी लॉ और रूल के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू रिकेट, रोमांटिसिज्म जनरली स्पीकिंग इज़ द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ आर्ट ऑफ शार्पन्ड सेंसिबिलिटीज एंड हाइटन्ड इमेजिनेटिव फीलिंग्स। तो ये लोग अपनी इमेजिनेशन को बड़ा, इन्होंने लिबर्टी दी हुई थी और ये चाहते थे कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट, सब्जेक्टिविटी। तो एक चीज़ होती है ऑब्जेक्टिविटी, जब आप सिर्फ फैक्ट्स की बात करते हो, और सब्जेक्टिविटी होती है जिसमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्क्राइब करते हो। वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोइट है, वर्ड्सवर्थ इज अ लवर। और अब अगर मैं ये सब बातें करूँ तो दीज आर ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स, ठीक है, क्योंकि दीज आर फैक्ट्स। लेकिन अगर मैं उसकी पोइट्री की बात करना स्टार्ट कर दूँ कि मुझे उनकी पोइट्री पसंद नहीं है, या मुझे उनकी पोइट्री में ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, ये एलिमेंट अच्छा नहीं लगता, तो दिस इज सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्क्राइब कर रही हूँ। सो सब्जेक्टिविटी की बात करते थे कि दे वर नॉट मच कंसिडर्ड विद एक्सटर्नल फैक्ट्स ऑफ लाइफ, एंड दे वर ओनली concerned with their own feelings and emotions. So according to them, again, that I mentioned earlier, that their poetry was the spontaneous overflow of powerful feelings, and it is poets' own emotions that find expressions in poetry. Means usne jo kuch portray karna hai, that is related to his own feelings. नेक्स्ट, इस टाइम की अगर हम लोग पोइट्री की बात करें, तो ये तो सर पॉइंट्स मैं आपको पहले ही मेंशन कर चुकी हूँ कि इट वाज अ रिवॉल्ट अगेंस्ट द क्लासिकल स्पिरिट ऑफ द 18th सेंचुरी। इसमें आप वही पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताए। नेक्स्ट, एलिजबेथन लिटरेरी फॉर्म्स एंड सब्जेक्ट्स वर रिवाइव्ड। तो क्या हुआ कि एलिजबेथन एज के लिटरेरी फॉर्म्स जो थे उसको ये लोग रिवाइव करना चाहते थे, जैसे हीरोइक कपलेट को छोड़कर, जैसे बाकी सोनेट लिखी जाती थी उस टाइम पे, सोनेट पे काम हो रहा था, लिरिकल पोइट्री पे काम हो रहा था, ब्लैंक वर्स में ड्रामास लिखे जा रहे थे, और स्पेंसेरियन स्टेंजा को बहुत ज़्यादा में सोनेट्स लिखी जा रही थी, तो बैलेट्स, तो इस तरह की जितनी भी लिटरेरी फॉर्म्स थी ये उनको वापस ला रहे थे। अब यहाँ पर एक और हमारे पास कैटेगरी है, लेक पोइट्स। तो ये इंग्लिश पोइट्स का एक ग्रुप था जो कि लेक डिस्ट्रिक्ट के करीब रहते थे, इस वजह से उन्हें लेक पोइट्स भी कहा जाता है। द मेन लिटरेरी फिगर्स इंक्लूड विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउथी। हम लोग बात करते हैं इस एज के मेन लिटरेरी फिगर्स एंड देयर नोटेबल वर्क्स की। सो आवर फर्स्ट पोएट इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ। हिज टाइम पीरियड इज़ फ्रॉम 1770 टू 1850। सो ही इज़ कंसिडर्ड द सेंट्रल फिगर इन द रोमेंटिक मूवमेंट एंड पायनियर ऑफ द रोमेंटिक पोएट्री। ही वॉज बोर्न इन 1770। अर्ली ईयर्स ऑफ हिज लाइफ वर स्पेंट इन द लेक डिस्ट्रिक्ट, जो कि मैंने पहले भी बताया, एंड इट प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड हिज पोइट्री। इसके बाद ये लंदन में आकर सेटल हो गए थे। इनके पेरेंट्स की डेथ के बाद वर्ड्सवर्थ को उनके सिबलिंग्स को अलग कर दिया गया था, ये लोग डिफरेंट रिलेटिव्स के पास जाकर रहना शुरू हो गए थे। वर्ड्सवर्थ ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, बट वो एकेडेमिया से ज़्यादा नेचर को एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड थे। उनको डिफरेंट जगहों का टूर करना पसंद था, और इसी में उन्होंने डिफरेंट नेचुरल प्लेसेस को विजिट किया। So he was appointed as a poet laureate of England in 1843, or he maintained that position until his death in 23rd April 1850. So his experience in France, जब जो French Revolution था basically, उससे वो काफ़ी ज़्यादा influence हुए थे, और इनके भी ideals थे कि liberty और freedom and justice और वो सब कुछ जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आफ्टर ऑल दिस वो इवेंचुअली 1795 के अंदर दोबारा से लेक डिस्ट्रिक्ट में जाकर सेटल हो गए अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ, और शी वॉज हर लाइफ टाइम कंपेनियन। डोरोथी ने भी डिफरेंट वर्क्स प्रोड्यूस किए, वो उनकी बहुत अच्छी कोलेबोरेटर थी, बट इनके मोस्टली वर्क्स जो हैं वो उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुए थे, और ड्यूरिंग हर लाइफ उन्हें इतना ज़्यादा फेम नहीं मिला। सो अब अगर हम लोग बात करें वर्ड्सवर्थ की थ्योरी की, जिसे हम लोग हिज थ्योरी ऑफ पोएट्री भी कहते हैं, तो वर्ड्सवर्थ का क्या बिलीव था कि हमें
पोइट्री के अंदर सिंपल और नेचुरल लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए. अगेन इट इज़ रिवॉल्ट अगेंस्ट अगस्टन एज. सो टू कन्वे जेन्युइन आइडियाज, उन्हें लगता था कि अगर हम लोग पोइट्री की लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल बना देंगे ना, कि वो आपकी जेन्युइन फीलिंग्स को, इमोशंस को कन्वे नहीं कर सकेगी. और जब रीडर तक आपकी ट्रू फीलिंग्स कन्वे नहीं होगी, तो फिर आप उसके अंदर कोई वो फीलिंग्स इवोक नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं. उसे वो आपका काम पढ़ के उसको इंजॉय नहीं कर पाएगा. एंड वी शुड यूज़ लैंग्वेज ऑफ अ कॉमन मैन इन पोएट्री. एंड ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन कंट्री साइड, नेचुरल इन्वायरमेंट. वर्ड्सवर्थ के लिए नेचर एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी, एक सोलेस थी, एक टीचर थी, एक हीलर थी. उन्हें लगता था कि इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ डिवाइन, जिससे आप डिवाइन को देख सकते हैं नेचर के हर ऑब्जेक्ट के अंदर. सो इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ डिवाइन. और नेचर क्या है, आपके लिए एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का सोर्स है. ही सेज दैट नेचर कनेक्ट्स अवर सोल विद डिवाइन, कि नेचर इज़ द ओनली थिंग दैट कनेक्ट्स यू विद योर रूट्स एंड इट कनेक्ट्स यू टू द प्लेस वेयर यू एक्चुअली बिलोंग. सो ही बिलीव दैट नेचर इज़ अ सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल एंड मॉरल गाइडेंस. और उनकी जितने भी वर्क्स हैं उनमें आपको नेचर ही, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, नेचुरल प्लेसेस ही मेन सेटिंग नज़र आएंगे. जैसे अगर आप उनका वर्क देखें, लाइंस कंपोस्ट फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी, उसमें भी जो उनका चाइल्डहुड हाउस है उस प्लेस को इन्होंने एज अ सेटिंग लिया अपनी उस पोएम के अंदर. और जो इनका वर्क है द प्रीलूड, उसमें भी इन्होंने अपनी डिफरेंट एक्सपीरियंसिस को शेयर किया, उसमें भी सेटिंग उन्होंने कंट्री साइड ही रखी. सो दिस लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड हिज पोएटिक इमेजिनेशन एंड इट वॉज अ रिकरिंग सेटिंग इन हिज वर्क्स. इसके अलावा इनकी एक फेमस फ्रेज है, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, ये अक्सर MCQs में भी पूछी जाती है, पर्टिकुलरली कंपेटिटिव एग्जाम्स में. और या फिर ये कि ये इनकी किस पोइम से ली गई है, सो माई हर्ट लीप्स अप, इनका वर्क है उसे ये ली गई है. एंड वो कहते थे कि आपकी नेचर, आपका चाइल्डहुड कैसा गुजरा हो या फिर आपके बचपन में जो भी एक्सपीरियंसेस थे, वो आपकी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं. थॉमसन इनके वर्क्स के बारे में कहते हैं कि इट इज़ द अबाउट द ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड द नेचुरल वर्ल्ड. इसके अलावा इनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट ये है, जो इनकी कोलेबरेशन हुई ST कॉलरिज के साथ. ये 1797 के अंदर कॉलरिज को मिले और इनके दरमियान एक बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप डिवेलप हो गई. और उसके बाद इन्होंने अपना फेमस कोलेबरेटिव वर्क प्रोड्यूस किया, लिरिकल बैलेट्स, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1798. लिरिकल बैलेट्स इज मार्क्ड एज द बिगनिंग ऑफ द रोमांटिक इरा इन इंग्लिश लिटरेचर. दिस वर्क वॉज अ कलेक्शन ऑफ 23 पोएम्स, जिसके अंदर 19 पोएम्स वर्ड्सवर्थ की थी और 4 पोएम्स कॉलरिज की थी. बट कॉलरिज अपनी उन पोएम्स की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, पर्टिकुलरली इनकी पोएम द राइम ऑफ एंशंट मैनेरल, लिरिकल बैलेट्स की फर्स्ट पोएम भी थी. इसके अलावा इसमें वर्ड्सवर्थ की भी फेमस पोएम्स शामिल हैं, जैसे लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी. लिरिकल बैलेट्स के बारे में वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जब एक चीज़ काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, सेंचुरी से चलती आ रही है, तो जब वो ट्रेंड है, तो आप अगर कोई चीज़ न्यू इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो वो आपका एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि आपको नहीं पता कि लोगों का उसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा. सो वो कहते हैं कि मेरी जो लिरिकल बैलेट्स है, दैट इज़ एन एक्सपेरिमेंट. हिज फेमस वर्क्स आर द प्रीलूड, इट वॉज कम्प्लीटेड इन 1805 बट इट वॉज पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ. इसके बारे में कहा जाता है कि इट इज़ एन स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफिकल पोएम एंड इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ हिज मास्टरपीस. वो अपनी सिस्टर डोरोथी को लिखते हैं इस वर्क के बारे में, दैट दिस पोएम इज़ द ऑन द ग्रोथ ऑफ माई ओन माइंड. अदर वर्क इज ओड इंटीमिटेशंस ऑफ इमोरेलिटी, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1807. इसके बारे में कहा जाता है कि इट वॉज द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री इन 19th century. अदर वर्क्स आर द लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी, इट वॉज रिटन इन 1798 एंड आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड विच इज ऑल्सो नोन एज डेफोडिल्स, इट वॉज पब्लिश इन 1807. नेक्स्ट पर्सन इज ST कॉलरिज. इनका टाइम स्पेन है फ्रॉम 1772 टू 1834. ही वॉज बोर्न इन इंग्लैंड एंड ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ द 10 चिल्ड्रेन. इनके फादर का नेम था जॉन कॉलरिज. कॉलरिज भी अपने काम से सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म लाना चाहते थे, और ये भी आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी और इक्वालिटी और ब्रदरहुड को बहुत ज़्यादा फेवर करते थे. इनकी भी लाइफ का सिग्निफिकेंट इवेंट आप वो मेंशन कर सकते हैं, इनकी कोलैबोरेशन विद वर्ड्सवर्थ जो मैंने ऊपर बता दी. कॉलरिज एक
पोइट होने के साथ साथ एक लिटरेरी क्रिटिक भी थे और इन्होंने तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स कॉइन की। फर्स्ट वन इज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने कोई भी मूवी देखी, कोई भी पीस ऑफ आर्ट देखा, तो सम टाइम ऐसा होता है कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका रियलिटी से कुछ लिंक नहीं होता, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है जिन पर बिलीव करना। बट फिर भी सम टाइम उस चीज़ को आप इंजॉय करने के लिए टेम्परेरी तौर पर उन चीज़ों को रियल मान लेते हो। सो इट इज़ योर टेम्परेरी विलिंगनेस टू एक्सेप्ट द इम्पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी। नेक्स्ट ही डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। कॉलरिज कहते हैं कि इमेजिनेशन दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी इमेजिनेशन और एक होती है सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी इमेजिनेशन होती है दैट इज़ योर अनकॉन्शियस, जैसे जो आपकी सेंसरी नॉलेज पर, सेंसरी इन्फॉर्मेशन पर बेस करती है। बट जो सेकेंडरी इमेजिनेशन होती है वो प्राइमरी इमेजिनेशन के बेस पर बिल्ट होती है। जैसे आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा, उसकी टाइप से, उसके कलर, उसकी साइज से, उसकी स्मेल से, या आपकी सेंसरी नॉलेज है ना, आपने उसे देखा, उसे सुना, तो आप उसको गेस कर लेते हो, आपको पता चल जाता है कि वो पर्टिकुलर चीज़ क्या है। दैट नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन योर सेंसरी इन्फॉर्मेशन, तो दिस इज़ योर प्राइमरी इमेजिनेशन। लेकिन सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या होती है, दैट इज़ द क्रिएटिव प्रोसेस वेयर द माइंड टेक्स द बेसिक सेंसरी इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्म इट इंटू समथिंग न्यू एंड इमेजिनेटिव। जैसे एक पोइट ने एक ट्री को देखा, उसने भी सेम ट्री देखा, लेकिन वो अपनी इमेजिनेशन के बेसिस पर उसे एक यूनिक वे में डिस्क्राइब कर दे। जैसे वो उसको रिलेट कर सकता है विद द सिंबल ऑफ ग्रोथ और ब्यूटी, लाइफ के साथ रिलेट कर सकता है, होप के साथ रिलेट कर सकता है, और एनी अदर थिंग ही वॉन्ट। इट डिपेंड्स ऑन हिज क्रिएटिविटी। सो इट मीन्स के सेकेंडरी इमेजिनेशन इज़ बेस्ड ऑन योर प्राइमरी इमेजिनेशन। इसी तरह कॉलरिज फैंसी और इमेजिनेशन में डिफ्रेंशिएट करता है। वो कहता है कि फैंसी इज़ द एबिलिटी टू क्रिएट इमेजेस एंड आइडियाज़। इसमें आप एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं और एक चीज़ को क्रिएट करते हैं, लेकिन आप कुछ भी न्यू नहीं क्रिएट कर रहे होते, क्योंकि आप जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग आइडियाज़ हैं बस उन्हीं को मिक्स कर उसी को कंबाइन करके कुछ डिफरेंट बना रहे हो। बट इमेजिनेशन होती है दैट इज़ योर एक्चुअल क्रिएटिव पावर दैट शेप्स एंड क्रिएट्स न्यू आइडियाज़ एंड इमेजेस। इट इज़ मोर क्रिएटिव देन फैंसी। कॉलरिज की लाइफ के जो लास्ट ईयर्स है वो काफ़ी ट्रबल में गुजरे थे, क्योंकि कुछ इनकी एडिक्शन की वजह से इनको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ भी फेस करनी पड़ी और इनकी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती थी। तो लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद भी इन्होंने अपना जो लिखने का काम है उसे कंटिन्यू रखा और डिफरेंट लेक्चर्स देते रहे ये अपनी लेटर लाइफ में भी, लिटरेचर पर और फिलोसफी पे। इसके अलावा इनके शेक्सपियर, क्योंकि ये एक लिटरेरी क्रिटिक भी थे, तो इन्होंने डिफरेंट राइटर्स पर, पोइट्स पर क्रिटिकल रिमार्क्स दिए। पर्टिकुलरली इनके मिल्टन और शेक्सपियर पर जो लेक्चर्स हैं, दे आर आल्सो नोन एज सेवन लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर एंड मिल्टन। सो ही डाइड इन 1834 इन लंडन। नेक्स्ट पर्सन इज़ पी वी शेली। हिज टाइम पीरियड इज़ फ्रॉम 1792 टू 1822। शेली को अपने लाइफ टाइम में कुछ इतना खास फेम नहीं मिला था, बट अपनी डेथ के बाद ही काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे, इनके वर्क्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए। ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फेमस पोइट्स ऑफ द रोमांटिक एज। शेली ट्रांसेंडेंटलिज्म की बात करते थे एंड इट इज़ बिलीव दैट देयर इज स्पिरिचुअल रियलिटी बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। वो मिस्टिक्स पे बिलीव करते थे, स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते थे, और उनको लगता था कि इस फिजिकल वर्ल्ड के अलावा भी कोई वर्ल्ड है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। और यह कि किसी भी रियलिटी को बिलीव करने के लिए आपको सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट की, इंट्यूशंस की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा लॉजिक होने की या एम्पिरिकल होने की या रीजंस की ज़रूरत नहीं होती किसी भी चीज़ को बिलीव करने के लिए। ही इज़ कंसिडर्ड रेवोल्यूशनरी पोइट। वो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा फेवर करते थे, एडवोकेट करते थे, द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी। सो ही ऑल्सो क्वेश्चन ट्रेडिशनल रिलीजियस डॉक्ट्राइंस। जैसे बाकी पोइट ने जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं या जो रिलीजियस बिलीव्स हैं ट्रेडिशनल, उनको क्वेश्चन किया था, लाइक वाइज ही वॉज ऑल्सो दैट काइंड एंड ही वॉज ऑल्सो एन एडवोकेट ऑफ सोशल और पोलिटिकल रिफॉर्म। एक अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक हैं हैरल्ड ब्लूम, जो उनके बारे में कहते हैं कि अ सुपर क्राफ्ट्समैन, अ लिरिक पोइट विदाउट राइवल एंड श्योरली वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड स्केप्टिकल इंटेलेक्ट्स एवर टू राइट अ पोएम। मैंने आपको ऑगस्टन एज में बताया था कि एक पीरियोडिकल एसेज लिखने का ट्रेंड चला था मैगजीन और न्यूज़पेपर्स में, प्रोज राइटिंग जो थी उस टाइम की, उसमें पीरियोडिकल एसेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। तो कहीं ना कहीं अभी तक ये ट्रेंड जो था ये कंटिन्यू था, और इसीलिए शेली ने भी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर, लॉर्ड बायरन और ले हंट इनके बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, और एडवर्ड विलियम्स, तो इनके साथ मिलकर इन्होंने एक पीरियोडिकल एसे स्टार्ट किया, द लिबरल।
इट वॉज प्लेटफॉर्म फॉर देम टू एक्सप्रेस देयर रेडिकल पॉलिटिकल एंड लिटरेरी आइडियाज. सो इट वॉज अ पॉलिटिकल पीरियडिकल दैट वॉज फाउंडेड बाई लॉर्ड बायरन, बीबी शैली एंड लेहन इन 1822. शैली की एक बोट एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी इन 1822. ये लॉर्ड बायरन के पास जा रहे थे इसी पीरियडिकल द लिबरल से रिलेटेड कुछ बात करने, और उसी मीटिंग से वापसी पर इनकी डेथ हो गई थी. बल्कि इनके साथ बोट में एडवर्ड विलियम्स भी थे, तो इन दोनों की उसी सेम स्पॉट पर डेथ हो गई. एडवर्ड विलियम्स की जो वाइफ थी, हर नेम वॉज जेन, और शैली उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे, प्रेस करते थे, और इन्होंने कुछ पोइम्स भी लिखी थी उसे अप्रिशिएट करने के लिए, विच इंक्लूड्स टू जेन द इन्विटेशन, टू जेन द रिकोलेक्शन, एंड विद अ गिटार टू जेन. क्वीन मॉब 1813, इट इज़ हिज फर्स्ट पोएटिकल वर्क एंड इट इज़ एन उटोपियन एलिग्री. एज़िमेंडियस 1818, द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम 1818, और टू द वेस्ट विंड 1819, द क्लाउड 1820, हिम ऑफ अपोलो 1820, टू और टू अ स्काईलॉक 1820, और टू लिबर्टी एडोनिस, इट इज़ एन एलिजी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. एडोनिस एक एलिजी है दैट ही रोट ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स. ओके, इट इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन पीपीएससी और एफपीएससी एमसीक्यूज. दिस इज रिगार्डेड हिज बेस्ट वर्क and he wrote that elegy to mourn the death of John Keats. Other works are The Necessity of Atheism, it is also a philosophical essay, The Mask of Anarchy 1819, it's a political ballad, The Spirit of Solitude 1815, it's a narrative poem, Julian and Medlow 1819. His work The Triumph of Life 1822 was left incomplete due to his death. इसके अलावा अक्सर जो पॉइंट्स पूछे जाते हैं या पीपीएससी में यू मे इनकाउंटर दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कि ग्रेव के ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखी गई है हर्ट्स ऑफ हर्ट्स, और कुछ लाइंस लिखी गई हैं शेक्सपियर के प्ले टेम्पेस्ट से, उसमें जो एरियल का सॉन्ग था उसकी दो तीन लाइंस लिखी गई हैं, वो भी मैं मेंशन कर दूंगी, आप रीड कर लीजिएगा. नेक्स्ट इज़ थॉमस डी क्विंसी, हिज टाइम पीरियड इज़ फ्रॉम 1785 टू 1859. अगर हम लोग रोमांटिक एज की पोइट्री के अलावा अब हम लोग एसेज की बात करें, तो एसेज में इनका बहुत ज़्यादा नाम है. ही वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर 1821. हिज अदर वर्क्स आर साइज फ्रॉम द डेप्स 1845, ऑन मर्डर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइन आर्ट्स 1827, ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ 1823. इट्स अ क्रिटिसिज्म ऑन शेक्सपियर प्ले मैकबेथ. Letters to a Young Man 1823 and Joan of Arc 1827. He is famous for his autobiographical sketches. आपको इनके works के अंदर बहुत ज़्यादा autobiographical elements नज़र आएंगे. Next is John Keats. He is one of the most important poets. और आपको इनके works को अच्छे से पढ़ना है अगर आप particularly PPSC या FPSC की preparation कर रहे हैं, तो फिर आपने John Keats को detail में पढ़ना है. इनके works, different phrases हैं इनकी poetry की, different verses अक्सर आ जाती हैं कि who wrote this. So his time period is from 1795 to 1821. He was born in London and he trained as a surgeon, but his passion for poetry led him to abandon medicine and to pursue writing. Okay, उन्होंने writing को start किया as a passion. So he belonged to a working class family and his father was a stable keeper. जब kids बहुत छोटे थे तो इनकी mother की death हो गई due to tuberculosis, और इसके बाद उन्होंने grandmother की custody में बच्चों को दे दिया, और उन्होंने दो guardians appoint किए अपने बच्चों को look after करने के लिए, and their names were Richard Abbey and John Sandell. In 1819 he composed series of odds, जिसमें उनकी 6 ऑड्स इंक्लूडेड थी, विच आर वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस एंड वेल रिगार्डेड पोएम्स. ऑड ऑन अग्रेशन अर्न, ऑड ऑन इंडोलेंस, ऑड ऑन मेलंकली, ऑड टू अ नाइटिंगेल, टू अ साइकी, एंड लास्ट वन टू ऑटम. और फिर इन्होंने इसे पब्लिश करवाया एज अ सीरीज ऑफ ऑड्स इन 1819. हिज अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स आर स्लीप एंड पोएट्री 1816, ऑन फर्स्ट लुकिंग इन टू जैपमैन्स होमर, it's also from 1816, it's a sonnet. His other notable works are When I Have Fears 1818, La Bella Dame Saint's Mercy, it is from French title but in English it means The Beautiful Lady Without Mercy. It was published in 1819 and it is his one of most famous works. Next other notable work is Endymion, it's written in 1818.
वो अपने बारे में कहा करते थे, आई थिंक आई शैल बी अमंग द इंग्लिश पोइट्स आफ्टर माई डेथ। और उनकी लास्ट रिक्वेस्ट ये थी कि उनके टॉम्बस्टोन के ऊपर एक फ्रेज लिखी जाए, हेयर लाइज वन हुज नेम वॉज रिटन इन वाटर। इन्होंने भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म कॉइन की, विच इज़ नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव का मतलब होता है टू रिमूव, कैपेबिलिटी एक आपके अंदर सलाहियत होना, टू रिमूव योर सेल्फ, कि आप जब किसी चीज़ के बारे में लिखने लगे हो तो बिल्कुल इम्पार्शियल होकर लिखो, बल्कि ख़ुद को वही इमेजिन करो और तब उसके बारे में कोई चीज़ लिख सको। सो हिज राइटिंग स्टाइल इज़ करेक्टराइज बाई सेंसरी इमेजरी। इमेजरी बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, पर्टिकुलरली इफ़ यू रीड हिज वर्क ऑड ऑन अग्रेशन एंड देन यू विल रियलाइज कि इमेजरी का कितना ज़्यादा यूज़ करते थे। इमोशनल इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी और ब्यूटी को बहुत ज़्यादा प्रेज करते थे। किड्स अपनी पोइम्स की कुछ फेमस लाइन्स की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं और अक्सर इन पर पूरे पूरे लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इनकी एक कोटेशन या एक लाइन के ऊपर। जैसे अपनी इस पोएम एंडेमियन में इन्होंने एक फ्रेज लिखी, आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। दिस लाइन इज़ फ्रॉम फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। अदर इम्पॉर्टेंट लाइन्स आर, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोस अनहर्ड आर स्वीटर। इट इज़ फ्रॉम ओड ऑन अग्रेशन एंड अदर इज, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी दैट इज़ ऑल वी नो ऑन अर्थ एंड ऑल वी नीड टू नो, दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम ओड ऑन अग्रेशन एंड। एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट लाइन इज, सीनरी इज़ फाइन बट ह्यूमन नेचर इज़ फाइनर। इट इज़ फ्रॉम वन ऑफ हिज लेटर्स दैट ही रोट टू हिज फ्रेंड और कलीग। He is also known as poet of beauty. वो beauty को बहुत ज़्यादा appreciate करते थे और आपको ये appreciation उनके works के अंदर नज़र आएगी। Next person is William Blake. His time period is from 1757 to 1827. He is a poet, painter, printmaker, and he is also considered one of the earliest and greatest figures of the Romantic Age. ये भी लंदन इंग्लैंड में पैदा हुए एंड ही वॉज द थर्ड ऑफ द सेवन चिल्ड्रन इन द मिडिल क्लास फैमिली। बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनका उनकी वो जिस चीज़ के लिए फेमस है, दैट इज़ हिज विजुअल आर्ट। ही वॉज वेरी इनोवेटिव विजुअल आर्टिस्ट एंड ही डिवेलप्ड अ यूनिक प्रिंटिंग टेक्निक दैट इज़ कॉल्ड एलिमिनेटेड प्रिंटिंग, विच मीन्स दैट ही वॉज यूज टू कंबाइन टेक्स्ट एंड इमेजेस ऑन द सेम पेज। एंड हिज फेमस विजुअल वर्क इंक्लूड द एंशिएंट ऑफ डेज एंड इलस्ट्रेशन फॉर द बुक ऑफ जॉब। और ये अपनी दो और पोइटिक कलेक्शंस की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं, दैट आर Songs of Innocent and Experience. ये दोनों collections published in 1789 and Songs of Experience were published in 1794. And these are juxtaposes of the innocent pastoral world of childhood against the darker. जो Songs of Innocence हैं उसके अंदर इन्होंने pastoral world को दिखाया, innocence को दिखाया, divine image को दिखाया, और जो Songs of Experience है उसमें इन्होंने dark reality को दिखाया। And he gave the picture of more corrupted world of adulthood. First में childhood and second में adulthood. And the famous poems from these collection include the lamb and tiger. Frequently आपको इस तरह के भी questions आते हैं कि कौन सी poem है जो सिर्फ उसके songs of innocence में है और या कौन सी poem जो दोनों में है, तो इस चीज़ को भी आप लोग देख लीजिएगा। Blake अपनी prophetic books की वजह से भी काफ़ी famous है। उन्होंने prophecies लिखी जैसे कि the marriage of heaven and hell, Jerusalem and Milton. He is known for his mystical beliefs. He claimed that he see visions of angels and other spiritual beings from a young age. उनका ये claim था कि उन्हें बचपन से ही ना ये spirits, angels और mystical creatures नज़र आती हैं। Next is Sir Walter Scott. His time period is from 1771 to 1832 and he wrote historical novels. अब हम लोग essays के बाद novels की बात करने लगे हैं। He is also known as father of historical English novels. इन्होंने एक series लिखी Waverley novels की। इसके अंदर उनके टोटल 27 नॉवल्स की कलेक्शन है और 5 टेल्स की। द सीरीज इज नेम्ड आफ्टर इट्स फर्स्ट नॉवल वेली इन 1840। ये आई गेव यू द लिस्ट ऑफ हिज नॉवल्स दैट आर इंक्लूडेड इन दिस सीरीज, यू कैन रीड द नेम्स। इसके अलावा इनका जर्मन रोमन लिटरेचर के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और उन्होंने काफ़ी जर्मन बैलेट्स को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। एंड हिज अदर नोटेबल वर्क्स आर द लेडी ऑफ द लास्ट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ स्कॉटिश बॉर्डर, द लेडी ऑफ द लेक 1810, द लॉर्ड ऑफ आइल्स 1814 एंड रोकबी 1813। नेक्स्ट पर्सन इज जॉर्ज बायरॉन और लॉर्ड बायरॉन 1788 टू 1824। ही वॉज एन एरिस्टोक्रेट एंड ही हैव मैनी स्कैंडल्स थ्रू आउट हिज लाइफ। बायरॉन की पोइट्री की या उनके राइटिंग स्टाइल की एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक यह है कि आपको उनकी राइटिंग्स के अंदर इंडिविजुअलिटी बहुत ज़्यादा नजर आएगी। फॉल दी पोइट्स
बायरॉन इज़ द मोस्ट सब्जेक्टिव पोइट. मैंने आपको पहले ऊपर सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी का डिफरेंस बताया, तो ही वॉज अ सब्जेक्टिव पोइट. मीन्स कि आपको इनके वर्क के अंदर ना इनकी अपनी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, कि वो हमेशा अपनी बात करते थे, अपने आइडियाज़ की, अपने बिलीव्स की, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स डालते थे अपने वर्क्स के अंदर. तो आपको सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा नज़र आएगी. तो ही ऑलवेज ट्राई टू पोर्ट्रे हिज ओन सेल्फ इन हिज वर्क. हिज फेमस वर्क्स आर ऑर्ड्स ऑफ आइडलनेस 1807, इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉट्स रिव्यूज 1809, डॉन जॉन, एंड इट इज़ एन एपिक सटायर एंड इट रिमेन्ड अनफिनिश्ड एट हिज डेथ. इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड, हालांकि वो कंप्लीट नहीं कर सके थे इस वर्क को, लेकिन फिर भी ये उनका मैग्नम ओपस कंसिडर किया जाता है. मैग्नम ओपस मीन्स किसी भी राइटर का कोई मास्टरपीस जिसकी वजह से उसको सारा फेम मिले. सो इट इज़ हिज कॉम्प्रिहेंसिव सटायर अपॉन मॉडर्न सोसाइटी. और इसके अंदर जो हीरो है ही ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स हिज पर्सनैलिटी. अदर वर्क्स आर द ब्राइड ऑफ एबिडॉस, मैनफ्रेड एंड चाइल्ड्स हेरॉल्ड्स पिलग्रिमेज. एक्चुअली ही विजिटेड डिफरेंट कंट्रीज एंड दैट वर इंस्पायर्ड हिज दिस वर्क, दिस लास्ट वर्क. एंड इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड हिज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव पोएम, जो जिसने इनकी पॉपुलैरिटी को और ज़्यादा इंक्रीज़ किया था. ये कहते हैं कि आई वोक अप वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस. एक्चुअली इनके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे ड्यूरिंग दैट टूर, इन्होंने उन सब की विविड डिस्क्रिप्शन दी इस पोएम के अंदर, और इसको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी उस टाइम पे. नाउ इन द एंड ही वॉज वेरी ऑफ एवरीथिंग, फेम, पोइट्री एंड इवन हिमसेल्फ. मीन्स ही बिकेम टाइड एंड डिसइल्यूजन्ड विद द थिंग्स दैट वंस मैटर टू हिम. So he lost his enthusiasm and his status as a celebrity or his creative work. So he abandoned everything. उनको एक exhaustion हो गई थी, एक anxiety हो गई थी हर चीज़ से, अपने fame से, अपने काम से, कि जो चीज़ें उनके लिए उनकी early life में बहुत ज़्यादा important थी, एंड पर जाकर उन्हीं चीज़ों ने उनको बहुत ज़्यादा dissatisfy कर दिया था. तो वो अपनी later life के अंदर military activities में engaged रहे, और उन्होंने support किया ग्रीस वार को. ग्रीक वार के अंदर ग्रीक इंडिपेंडेंस के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फाइट की अगेंस्ट ऑटोमन एम्पायर. तो इसी सिलसिले में वो ग्रीस चले गए थे इन 1823 टू एड इन दैट स्ट्रगल. एंड इवन ही यूज्ड हिज पर्सनल फंड्स टू सपोर्ट दैट कॉज, एंड ही डाइड इन 1824 ड्यू टू फीवर. और ग्रीस में इन्हें एज अ हीरो मॉर्न किया जाता है. नेक्स्ट पर्सन इज़ चार्ल्स लैम, 1775 टू 1834. ही वॉज बोर्न इन लंडन एंड ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज एसेज. इनके एसेज में भी आपको ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स मिलेंगे. ही इज़ ऑल्सो नोन एज द, इनका एसेज में इतना बड़ा नाम है कि इन्हें प्रिंस कंसिडर किया जाता है इंग्लिश एसेज का. 1796 के अंदर इनकी फैमिली के साथ एक ट्रेजिडी हो गई थी, और वो ट्रेजिडी भी ऐसी थी कि इनमें देर वॉज अ स्ट्रेन ऑफ मैडनेस इन द होल फैमिली, और किसी ना किसी तरीके लैम भी उससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे, इन्फ्लुएंस थे. पर्टिकुलरली इनकी जो सिस्टर थी मैरी लैम, कहा जाता है कि दैट ड्यूरिंग हर सडन फिट ऑफ मैडनेस ही किल्ड और मर्डर्ड हर मदर इन 1796. सो लैम डिवोटेड हिज होल लाइफ टू द वेलफेयर ऑफ हिज सिस्टर, एंड शी आल्सो अपेयर्स इन हिज एसेस एज ब्रिजिट एलिया. उनका पेन नेम भी एलिया था. ही वर्क फॉर मैनी ईयर्स एज अ क्लर्क फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड ही रिटायर्ड इन 1825. हिज नोटेबल वर्क्स आर पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स 1796, जॉन वुडविल 1802, इट्स अ ड्रामा, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1807, ही को ऑथर्ड विद हिज सिस्टर मैरी लैम, द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसेस 1808, इट इज़ ये होमर की जो ऑडिसी थी उसी को रिटेलिंग की इन्होंने, उसी को नरेट किया दोबारा से. स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्स हु लिव्ड अमाउंट द टाइम्स ऑफ शेक्सपियर 1808, इट्स एन एंथोलॉजी विद क्रिटिकल कमेंट्री. इट मीन्स ही वॉज नॉट ओनली एन एसेस्ट बट अ क्रिटिक ऑल्सो. एसेज ऑफ इलिया 1823, इट इज़ हिज मोस्ट फेमस वर्क. यू कैन से इट इज़ रिगार्डेड एज हिज मास्टर पीस. इट इज़ ऑल्सो कलेक्शन ऑफ एसेज. द लास्ट एसेज ऑफ इलिया 1833, इट इज़ अ फॉलो अप कलेक्शन ऑफ एसेस. नेक्स्ट इज विलियम हेजलिट. अपनी लिटरेरी करियर के दौरान ये कॉलरिज से मिले, और उसका एक बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हुआ इनकी लाइफ में के ऊपर. इन 1798 अंडर हिज इन्फ्लुएंस ही बिकम अ ग्रेट लिटरेरी क्रिटिक. इनिशियली ही वॉज ट्रेंड एज अ पेंटर, बट ही शिफ्टेड हिज फोकस टू राइटिंग ड्यू टू हिज ग्रोइंग इंटरेस्ट इन लिटरेचर. सो फ्रॉम 1814 अंटिल हिज डेथ ही कंट्रीब्यूटेड टू द एडनबर्ग रिव्यू, द एग्जामिनर, द टाइम्स एंड द लंडन मैगजीन.
इनमें वो अपनी कंट्रीब्यूशंस देते रहे और डिफरेंट एसेज लिखते रहे. हिज फेमस वर्क्स आर द राउंड टेबल 1817. इट कवर्स वेरियस सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लिटरेचर, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी. द टेबल टॉक और ओरिजिनल एसेज ऑन मैन एंड मैनर्स 1821. इट इज़ टू वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ हिज एसेज, द स्पिरिट ऑफ द एज और कंटेम्प्रेरी पोएट्रीज. तो ये सब कलेक्शन है जिसमें उनके इंपॉर्टेंट एसेज इंक्लूड हैं. लास्ट पर्सन इज जेन ऑस्टन 1775 to 1813. शी इज़ वन ऑफ द फेमस नॉवलिस्ट एंड शी इज़ नोन फॉर हर विटी सोशल कमेंट्री एंड इनसाइटफुल पोर्ट्रेज ऑफ द इंग्लिश सोसाइटी. और इनके नॉवल की मेन थीम्स क्या होती थी, लव, मैरिज, सोशल क्लास, रोल ऑफ वीमेन इन द सोसाइटी. एंड हर राइटिंग इज़ करेक्टराइज्ड बाय आयरनी, सटायर एंड कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. हर फेमस नॉवल्स आर सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1811, प्राइड एंड प्रेजुडिस 1813, मैंसफील्ड पार्क 1814, एमा 1815 एंड नॉर्थंगर एबे 1818. इट वॉज पब्लिश्ड आफ्टर हर डेथ एंड परसुएशन इट वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड आफ्टर हर डेथ. सो that is all from my end for today. I hope that lecture would be helpful for you to understand the romantic age in detail. I tried to cover each and every aspect. So don't forget to give me your feedback. If you have any question, ask me in comments. Allah Hafiz.